weekend. We will hear and speak it. Read and write it too. Read and write it too. Nirmiti, Center for Learning Resources, Pune. We learn English. आओ अंग्रेजी सीखें पाठ 32। मैं सुनीता दीक्षित पटना के एक प्राणी संग्रहालय में मैं अपने भांजे दीनू और भांजी आशा के साथ सैर करने आई हूँ। यहाँ हम क्या क्या करते हैं सुनो। What is that? बाप रे, शेर छूट गया है, हमारी तरफ आ रहा है। पागल है तू। अरे बाबा, शेर छूटा नहीं है। तो उसका पिंजरा कहाँ है? इस प्राणी संग्रहालय में बहुत से जानवरों को पिंजरे में नहीं रखा गया है। देखो, यहाँ एक छोटा सा टापू है ना, उसके अगल बगल पानी है और टापू पर शेर रहते हैं। उनके लिए उस टापू में एक छोटा मोटा जंगल सा भी बनाया गया है। वो देखो देखो देखो, पेड़, घास, पानी, सब कुछ तो है। पिंजरे की कैद के बजाय ये कितना अच्छा लगता है ना। आई लाइक दिस जू। प्राणी संग्रहालय को जू कहते हैं। जू? पर मुझे तो बहुत डर लगता है। अरे, ये कौन गुर्राया? अरे वो देख वहाँ, बाघ, टाइगर। लुक एट द टाइगर। कैन यू सी द टाइगर? नो, आई कांट। अरे वो देख उधर घास में, आई कैन सी 3 टाइगर्स। सच, 3 बाघ हैं। आई कांट सी देम, व्हाट आर दे डूइंग? श्रोताओं, बताओ बाघ क्या कर रहे होंगे? तुम सब अंग्रेजी में बता पाओगे? मैं इंतजार करती हूँ। सही जवाब दिया ना, दे आर ईटिंग। तुम सब मेरे बात दोहराओ, दे आर ईटिंग। पर मुझे तो नहीं दिख रहे हैं। वो देख वहां, वो पेड़ है ना, उसके नीचे घास लगी है। अरे उधर, हाँ खोल के देख जरा ना। हाँ, दिखे दिखे। आई कैन सी 3 टाइगर्स। दीदी वो देख वहाँ बंदर है, बंदर। लुक एट द मंकीज। व्हाट आर दे डूइंग? दे आर जंपिंग। वो कूदम कूदी कर रहे हैं। दे आर क्लाइमिंग अ ट्री। पेड़ पर चढ़ रहे हैं। दोस्तों, तुम भी एक साथ कहो, दे आर जंपिंग। अब बोलो, दे आर क्लाइंबिंग अ ट्री। ट्री मतलब पेड़, ठीक? कुछ बंदर पेड़ पर चढ़ रहे हैं। श्रोताओं, तुम सब भी बोलो, दे आर क्लाइंबिंग अ ट्री। लुक, दे आर फाइटिंग। नो, दे आर नॉट फाइटिंग, दे आर प्लेइंग। ऐसा लगता है कि ये बंदर झगड़ा कर रहे हैं, मगर सच में वो खेल ही रहे हैं। झूठ मूठ की लड़ाई है सब। लुक लुक, बेबी मंकी, इट्स सो स्मॉल, इट्स सो स्वीट। मैं बिस्किट दे दूँ उस बंदर के बच्चे को? नहीं नहीं बिटिया, यहाँ के जानवरों को खाने के लिए कुछ भी मत देना। बाहर की चीजें खा के ये जानवर बीमार पड़ सकते हैं। हम यही काम करते हैं, हमारा काम है हिरनों की देखभाल। हम हिरन देखना चाहते हैं। तो आओ हमारे साथ उस तरफ। Look at this deer, it's so sweet. मैं उसे हाथ लगाऊं? हाँ, हिरन को हाथ तो लगा सकते हो, मगर बहुत प्यार से। हाँ? उसकी नाक बहुत ठंडी है। मुझे तो उसकी आंखें बहुत सुंदर लगती हैं। कैसी बड़ी बड़ी गहरी काली सुंदर आंखें हैं ना। हमें स्कूल में सिखाया है कि आंख को अंग्रेजी में आई कहते हैं। यस, और आंखें आईज। नाक को नोज कहते हैं, नाक मतलब नोज। और कान को ईयर कहते हैं, कान ईयर। सुनीता मौसी, ऐसा बोले?
One ear, two ears. One eye, two eyes. हाँ, और बहुत से शब्द ऐसे बना सकते हैं. One lion, three lions. One monkey, four monkeys. What is this heron's name? Dino, तुझे ये भी नहीं पता कि हिरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? Deer. हाँ, deer. What is this deer's name? Her name is Sundari. How old is she? She is 4. What does she eat? घास पत्ती, यही सब खाती है. मुझे भी भूख लग रही है. हम कहीं खाना खाने चले? Dino, लालचीपन मत दिखा. मुझे हमेशा मत सिखा क्या करना है. अच्छा बाबा, ठीक है ठीक है, चलो कहीं बैठते हैं, थक तो मैं भी गई हूँ. आज के पाठ में सुने हुए कुछ नए अंग्रेजी शब्द और वाक्य अब आप दोबारा सुन पाएंगे. ध्यान से सुनिएगा, हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे. टीचर जी, आप इन वाक्यों को नोटबुक में लिख लेंगे ना, ताकि अगले भाग में बच्चों से अभ्यास कराने में आपको सुविधा रहे. लायन मतलब शेर, टाइगर मतलब बाघ, मंकी मतलब बंदर, डियर मतलब हिरण. व्हाट आर दे डूइंग? दे आर जंपिंग. वो कूद रहे हैं. दे आर फाइटिंग. वो झगड़ रहे हैं. दे आर प्लेइंग. वो खेल रहे हैं. दे आर क्लाइमिंग अ ट्री मतलब वो पेड़ पर चढ़ रहे हैं. दोस्तों, अब आपकी बारी है. स्कूल में या घर में, आप जहां भी हों, मेरे कहे अनुसार ही बोलिएगा, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के. इसी तरह बोलते बोलते आपकी अंग्रेजी सुधर जाएगी. आज के पाठ में तुमने कुछ जानवरों के नाम अंग्रेजी में सुने. पहले उन सब का अभ्यास करेंगे. मैं हिंदी में बोलूंगी और तुम सब अंग्रेजी में कहना. शुरू करें. इसे अंग्रेजी में कहो. एक बंदर. वन मंकी. गुड. फिर छह बंदर कैसे कहेंगे अंग्रेजी में? सिक्स मंकीज. गुड. शेर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लायन. गुड. फिर तीन शेर. थ्री लायंस. गुड. अब तुम्हें पता चल ही गया होगा कि बहुत से अंग्रेजी शब्दों का बहुवचन ऐसे ही बनता है. शब्द के बाद एस लगाया और हो गया बहुवचन. जैसे वन लायन, थ्री लायंस. वन बुक, फोर बुक्स. पिछले पाठ में तुमने एक प्रश्न सीखा था, व्हाट आर यू डूइंग मतलब तुम क्या कर रहे हो. व्हाट इज शी डूइंग? व्हाट इज ही डूइंग? आज के पाठ में तुमने एक और नया प्रश्न सुना. बाघों की ओर देखकर दीनू ने क्या पूछा था? व्हाट आर दे डूइंग? व्हाट आर दे डूइंग? तुमको इस प्रश्न का अर्थ समझ में आ ही गया होगा. वो क्या कर रहे हैं? मेरे बाद तुम सब इस प्रश्न को कह करके तो देखो. व्हाट आर दे डूइंग? गुड.
आज हमने तरह तरह के जानवर क्या कर रहे हैं इन प्रश्नों के उत्तर भी सुने। दे आर ईटिंग, दे आर स्लीपिंग, ऐसे उत्तर। अब मैं ऐसे वाक्य हिंदी में कहूंगी और एक एक बच्चे को उठकर वो वाक्य अंग्रेजी में बोलने हैं। घंटी बजते ही टीचर जी एक लड़की या लड़के को खड़ा करेंगे। जंप मतलब कूदना। फिर ये वाक्य अंग्रेजी में बोलो, वो कूद रहे हैं। दे आर जंपिंग, गुड। अब दूसरा बच्चा, फाइट मतलब झगड़ना। अब ये वाक्य अंग्रेजी में बोलो, वो झगड़ रहे हैं। दे आर फाइटिंग, गुड। अब दूसरा बच्चा, प्ले मतलब खेलना। फिर अंग्रेजी में बोलो, वो खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग, गुड। और वो पेड़ पर चढ़ रहे हैं, ये कैसे कहेंगे? दे आर क्लाइंबिंग अ ट्री। मेरे बाद सब एक साथ बोलो, दे आर क्लाइंबिंग अ ट्री। अब अगले 15 मिनट तक जानवरों के नाम, उनके बहुवचन, वो क्या कर रहे हैं, इन वाक्यों का अभ्यास टीचर जी बच्चों से अंग्रेजी में करवाएंगे। दे आर जंपिंग, दे आर फाइटिंग, दे आर प्लेइंग, दे आर स्लीपिंग, ऐसे अलग अलग वाक्य अंग्रेजी में बतानी है। आज का पाठ यहीं समाप्त हुआ।